तो देखो बेटा, पहला क्वेश्चन है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर -3 एंड 2। ठीक है, अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है हुज जीरोस आर -3 एंड 2। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ना पॉलिनोमियल में जो भी जीरोस हैं उस जीरोस की, एक जीरोस की वैल्यू तो है -3 और दूसरे वाले जीरो की वैल्यू है बीटा। ठीक है, पहले जीरो को हम अल्फा मान लेते हैं जिसकी वैल्यू -3 होगी, और दूसरा वाला जो है बीटा उसको अपन कितना ले लेते हैं 2। और हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। ठीक है, तो पहले तो हम एनसीईआरटी वाला फॉर्मूला देख लेते हैं, और मेथड देख लेते हैं, उसके बाद हम अपना वाला मेथड भी देख लेंगे। तो एनसीईआरटी वाला मेथड क्या कहता था, देखो एनसीईआरटी कहती है कि द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन बाय ax² + bx + c। इसके आगे चाहो तो आप k लगा सकते हो। ठीक है, जनरली लगा ही लेना चाहिए, k लगा लेना, हम इसके आगे k लगा लेंगे। तो देखो भाई, अब ये होता है तो हमें a निकालना पड़ेगा, b निकालना पड़ेगा और c। तो हमें पता है जो हमारा a होता है ना और ए बी सी, वो कैसे निकलता है, हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा -b/a के बराबर होता है, और जो अल्फा बीटा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस -b/a होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है c/a। तो देखो भाई, अल्फा कितना है -3 + 2 इज इक्वल टू -b/a। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो -1 = -b/a। देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 के नीचे तो यहाँ 1 लगा दिया, तो यहाँ से अगर मैं वैल्यूज कंपेयर करूं तो ये a की वैल्यू दिखाएगा और ये वाली b की वैल्यू दिखाएगा। तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू, देखो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो b की वैल्यू +1 आ जाएगी। और अगर हम बात करें अल्फा बीटा, तो अल्फा कितना है -3, बीटा है 2, और ये हमारे c/a के बराबर आएगा, -6 = c/a। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ मेरे a की वैल्यू, वो 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 रख लो। यहाँ पे भी देखो, अगर a की वैल्यू 1 ही आ रही है और c की वैल्यू कितनी आ रही है -6, तो आपको ध्यान ये रखना है कि ना a की वैल्यू जब आप b/a निकाल रहे होते हो और c/a निकाल रहे होते हो तो हमेशा सेम आनी चाहिए। देखो a की वैल्यू एक जगह भी 1 है और इस तरफ भी 1 है, दोनों तरफ 1 है, मतलब a की वैल्यू सेम है, बस a की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तब कुछ नहीं करना आपको, ये जो फॉर्मूला लिखा था ना इसी में a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू पुट कर कर आप इक्वेशन बना दो। तो a हमारा 1 है तो 1x² यानी x² और b की वैल्यू भी 1 है तो 1 लिखते नहीं है तो x, और c की वैल्यू कितनी है -6, तो जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। और लास्ट में आप क्या करते हो, लास्ट में आके इस k को, अगर नीचे इसके कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो k को हटा देना। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर नहीं है तो सीधे सीधे हमारी जो पॉलिनोमियल आ जाएगी वो आ जाएगी x² + x - 6, ये हमारी पॉलिनोमियल आ जाएगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि अल्फा और बीटा जो है वो जीरोज हैं p ऑफ x is equal to x² - 4x + 1 के। तो अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा क्या होगा, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर क्वेश्चन में अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस लिखा हुआ है, ठीक है, तो जो सबसे पहला काम करना है वो आपको ये करना है कि आपको एक बार अल्फा प्लस बीटा निकालना है इस पॉलिनोमियल में से, और एक तरफ अल्फा बीटा निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा आपको पता है -b/a होता है और अल्फा बीटा c/a होता है। तो अगर हम अपनी पॉलिनोमियल में a की वैल्यू देखें तो 1, b की वैल्यू देखें -4 और c की वैल्यू कितनी है 1, तो ये देखो,
क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए निकालना है और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, और ए बी सी की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। तो देखो अब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस, पहले तो इसके लिए, फिर बी की वैल्यू क्या है माइनस फोर और ए की वैल्यू कितनी है वन, तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा बेटा आपका फोर, ठीक है। और अब ऐसे अल्फा बीटा निकालना है तो सी क्या है हमारा वन और ए क्या है अपना वन, तो अल्फा बीटा कितना आ जाएगा वन, ठीक है। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, हमसे कह रहा है, अच्छा इसको इक्वेशन वन डाल देंगे, हमको बोल रहा है अल्फा प्लस वन अपॉन अल्फा निकालना है। तुमने थोड़ा सा दिमाग लगाया तो मैं यहाँ से अगर चाहूँ इस वाली इक्वेशन से बीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बीटा क्या आ जाएगा वन अपॉन अल्फा, बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी, अगर हम बीटा यहीं छोड़ देते हैं अल्फा को उधर ले जाएं तो बीटा की वैल्यू वन अपॉन अल्फा आ जाएगी। तो बस कुछ नहीं करना, putting beta is equal to 1 upon alpha in equation 1, equation 1 में देखो alpha और beta, alpha plus beta equal to 4 था, लेकिन अब beta की value क्या आ गई है 1 upon alpha, तो alpha plus 1 upon alpha is equal to 4, और यही तो हमसे पूछा था, निकल गया alpha plus 1 alpha is equal to 4, ठीक है। तो अब देखो बेटा हम अपने अगले questions पे जाते हैं। तो कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ये, फाइंड वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा। तो देखो पहले ही स्टार्टिंग में हमने पढ़ लिया कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, तो बस कुछ नहीं करना होता, एक बार हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना होता है जो कि माइनस बी बाई ए होता है, और एक बार अल्फा बीटा निकालना होता है जो कि अपना सी बाई ए होता है। अब हम इसमें देखें तो a की वैल्यू a ही है जो x स्क्वायर के साथ, जो क्वाड्रेटिक टर्म के साथ होता है ना, वो हमारी a की वैल्यू होती है, और ये लीनियर टर्म कहलाती है, लीनियर टर्म के साथ जो होता है वो b की वैल्यू होती है। तो a a ही है यहाँ पे, b हमारा b है और c अपना c है, क्योंकि नंबर तो दिए नहीं है। तो अब हमारा अल्फा प्लस बीटा आ गया माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा आ गया सी बाई ए, पर हमें पूछा क्या, हमें पूछा वन अपॉन अल्फा और वन अपॉन बीटा की वैल्यू का पता लगाओ। तो देखो बेटा ये ना, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा का लेना पड़ेगा एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम जनरली क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो बीटा यहाँ चला जाएगा और अल्फा यहाँ चला जाएगा और नीचे ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो बीटा प्लस अल्फा इज बीटा प्लस अल्फा अपॉन में अल्फा बीटा, मतलब हमने वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा को किसमें चेंज कर दिया, बीटा प्लस अल्फा अपॉन में अल्फा बीटा, एलसीएम ले लिया ना, ठीक है, और डिनोमिनेटर सेम कर दिया। तो बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू क्या है माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है सी बाई ए। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूँ तो माइनस बी बाई, अब देखो सबसे नीचे का a सबसे ऊपर वाले के साथ एक्सट्रीम टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होती है, मिडिल टर्म्स आपस में, तो b इंटू ए हो जाएगा और a इंटू सी, a से a कट गया तो माइनस b बाई सी आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाई सी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या दिया है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, देखो ये लाइन पढ़ते ही ना आपको खुश हो जाना चाहिए, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि अगर उसने ये बोल दिया है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, तो एक बार आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना और एक बार अल्फा बीटा निकालना, इतना तो करना ही करना है। तो चलो कर लेते हैं पहले, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ से ए की वैल्यू देखो 4, बी की वैल्यू माइनस 5 और सी की वैल्यू 1, तो बस अपपुट कर दो माइनस बी की वैल्यू माइनस 5 और ए की वैल्यू कितनी है 4, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/4 आ गया बच्चों मेरा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं अल्फा बीटा की जो कि
सी बाई ए था तो सी अपना वन है और ए कितना है फोर, तो वन बाई फोर आ गया। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, ये तो आधा पार्ट किया आपने। आपसे मांग क्या रहा है, आपसे कह रहा है कि अल्फा की पावर फोर बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा की पावर फोर निकालना। देखो इनमें कुछ कॉमन ले सकते हैं, अल्फा क्यूब इसमें भी है, बीटा क्यूब इधर भी है, तो अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब तो हमने बच्चों ले लिए कॉमन। तो पहले वाले में से तुम चार, पहले वाले में चार अल्फा थे, तीन अल्फा कॉमन ले गए तो एक अल्फा बचा, दूसरे वाले में चार बीटा थे तीन ले गए तो ठीक है। तो हम इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब को अल्फा बीटा का होल क्यूब इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि सर ने क्या कर दिया, तो देखो आपको ये पता है एक आइडेंटिटी लिखाई जाती थी कि ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम इक्वल टू होता है ए इंटू बी की पावर एम, ठीक है। तो अब अल्फा बीटा का क्यूब करना नहीं, वन बाई फोर का क्यूब करना है इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना है फाइव बाई फोर। तो इसको सॉल्व करो बेटा, वन बाई फोर का क्यूब वन बाई सिक्सटी फोर इंटू फाइव बाई फोर, तो ये आ जाएगा फाइव बाई टू फिफ्टी सिक्स। तो आपका जो आंसर है अल्फा की पावर फोर बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा की पावर फोर का फाइव बाई टू फिफ्टी सिक्स है, ठीक है। तो कई बच्चे अच्छा इसमें क्या करते हैं ना, अल्फा अलग निकालते हैं बीटा अलग निकालते हैं, फिर अल्फा को चार बार आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, बीटा को तीन बार, फिर इस तरीके से, मतलब समझ रहे हो। तो वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकालो और क्वेश्चन खत्म कर दो। अब क्वेश्चन नंबर 13 है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, अल्फा और बीटा जो है हमारे जीरोस हैं, इतना पढ़ो और इतना पढ़ के सबसे पहला काम जो मैंने आपको बताया वो करो कि आपको क्या करना है कि अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। बाकी एक बार क्वेश्चन हम पूरा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो क्या बोला, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस, फाइंड के इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ टाइम्स अल्फा बीटा के, मतलब जो सम ऑफ जीरोज है वो हाफ है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के इक्वल के। तो पहले तो हम यहाँ से ए बी सी भी निकाल लेते हैं, ए बच्चों हमारा वन है, बी जो एक्स है ना उससे पहले सब कुछ अलोंग विद दिस तो माइनस के प्लस सिक्स, और सी एक्स के बाद जो भी है ये पूरा आपका सी टू टू के माइनस वन, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा होता है बच्चों हमारा माइनस बी बाई ए, और हमें अल्फा बीटा भी निकालना है क्योंकि ये तो इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज है, इतना पढ़ते ही हमें बताया ना कि ये दो चीजें तो निकालनी सी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा, पहले तो माइनस और बी की वैल्यू क्या थी, बी की वैल्यू थी बेटा माइनस के प्लस सिक्स और ए कितना है वन, तो अल्फा बीटा हमारा सॉल्व होके बेटा आ जाएगा माइनस माइनस प्लस के प्लस सिक्स, ठीक है। और अगर मैं बात करूं हमारे अल्फा बीटा की, तो अल्फा बीटा सी भाई ए है और सी कितना है बच्चों टू टू के माइनस वन अपॉन में वन, तो अल्फा बीटा आ जाएगा अपना टू टू के माइनस वन, ठीक है। ये तो बेसिक चीजें हैं जो आपको इस तरीके के क्वेश्चन में करनी करनी है। अब कंडीशन के हिसाब से जाओ, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, कह रहा फाइंड के, के निकालना है अगर, ऑल्सो हमें क्या बोला कि अल्फा बीटा जो है वो किसके बराबर, हाफ ऑफ अल्फा बीटा के। वैल्यू पुट करो, अल्फा प्लस बीटा यानी के प्लस सिक्स इज इक्वल टू हाफ, अल्फा बीटा कितना है टू टाइम्स टू के माइनस वन, टू से टू कैंसिल, के प्लस सिक्स इज इक्वल टू टू के माइनस वन। इनको यहाँ ले चलिए, इनको यहाँ ले आइए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सिक्स माइनस वन इधर आएगा प्लस, और वो टू के और के उधर जाएगा तो माइनस का के। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो देखो बेटा सिक्स प्लस वन सेवन और टू के माइनस के इसके, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी सेवन।
तो के हमारा 7 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलो और अगला क्वेश्चन पढ़िए कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हुज सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर 8 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। तो देखो एक तरीका तो मैं क्वेश्चन नंबर 9 में बता के आया था आपको, ठीक है। और दूसरा तरीका जो शॉर्टकट है एक नंबर के लिए जनरली जिसका हमें यूज करना है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं कि आप लिखना पहले कि द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ये एक नंबर में आए तो ही करना। द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज गिवन एज के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो देखो बेटा के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना दिया है 8, उसके पीछे लग जाएगा एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया है 12, ठीक है। अब अगर नीचे इस पूरे ये जो पॉलिनोमियल के ब्रैकेट के अंदर आ रही है, अगर इसके नीचे कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है तो के की वैल्यू ले लेना 1, ठीक है। तो लेट के इज इक्वल टू 1, तो अब जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी पॉलिनोमियल क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। लेकिन आप कहोगे सर अगर इसके नीचे कोई नंबर हो तो, ब्रैकेट में जो पॉलिनोमियल दिए उसके नीचे कोई नंबर हो तो जैसे सपोज कर लो, अगर मान लो नीचे इस पूरी पॉलिनोमियल के नीचे, सिर्फ मैं तुम्हें ना समझाने के लिए कर रहा हूँ, एक्चुअल में आपका आंसर ये है। सपोज करो आप सॉल्व करते और के की वैल्यू आ जाती है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 अपॉन में 21, मान लो अगर ऐसा लगता, तो आप उस केस में क्या करते कि लेट के इज इक्वल टू जो नीचे आता है वही ले लिया करो, ताकि हमारा के कट जाए, ठीक है। तो अब के की वैल्यू 21 हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 21 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, और नीचे 21 आ ही रहा है तो 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। तो के की वैल्यू वही लेनी है जो ना आपके पॉलिनोमियल में नीचे डिनोमिनेटर आता है, तो क्या होगा वो डिनोमिनेटर जो है और के की वैल्यू दोनों सेम है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। बाकी आपका आंसर ये है, ये तो बस मैंने तुम्हें यूं ही समझाया था के की वैल्यू क्या लेनी है। और चाहो तो अगर के की वैल्यू ना ले ना भी लो तो कोई दिक्कत नहीं है, फाइनल स्टेप में आपको के गायब करना होता है, दैट्स ऑल। तो बेटा देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा हमारा क्या लिखा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमने लाइन पढ़ी हमारे काम की कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, यानी हमें एक बार क्या निकालना है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा जो कि माइनस बी बाई ए के बराबर होता है, और एक बार निकालना है बेटा अल्फा बीटा जो कि सी बाई ए होता है। ये हमारा बेसिक स्टेप है, करना ही करना है, कब, जब ये लिखा हो कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस। देखो ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है माइनस 5, और सी की वैल्यू क्या है 6, ठीक है, कितनी है 6। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा माइनस माइनस 5 अपॉन में 1, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बच्चों 5। और अगर हम बात करें अल्फा बीटा की तो सी यानी 6 अपॉन 1, तो अल्फा बीटा आ गया 6। ये तो बेसिक स्टेप है, ये करना ही करना है। अब हमें चाहिए क्या, हमको कह रहा है कि बताओ कि 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने का मैंने सबसे बेस्ट तरीका बताया, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, ये जो है ना ये बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर के ऊपर भेज दो, और ये जो अल्फा स्क्वायर है वो बीटा स्क्वायर के ऊपर भेज दो, और नीचे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा,
तो हमारे पास आ गया बेटा देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब आप कहोगे सर हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो पता ही नहीं है और कहीं दिया भी नहीं है, तो मैं तुम्हें एक आइडेंटिटी बता रहा हूँ, ठीक है, प्रूवन आइडेंटिटी है, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाई है, ठीक है, प्रूवन है, आप प्रूव करके देख सकते हैं, मैं इसको आपको प्रूफ भी बता रहा हूँ थोड़ी देर में। देखो तो बेटा हमारी आइडेंटिटी क्या है ना, मैं इसका प्रूफ भी बता दूंगा कि मैंने आइडेंटिटी बताई कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, ये तो आइडेंटिटी है। अब आप कहोगे सर हमने तो कहीं पढ़ी नहीं है, कैसे मानी, तो देखो मैंने क्या बोला आपको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। तो आप एक काम करो, ये जो राइट हैंड साइड है उसको सॉल्व करो, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा प्लस टू अल्फा बीटा माइनस टू अल्फा बीटा, ठीक है, टू अल्फा बीटा से टू अल्फा बीटा बट कैंसिल हो गया तो क्या आया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और इधर भी क्या था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हो गई वेरीफाई। बस यही करना है, अब ये याद रखना है आपको, ठीक है, तो लिखना वी नो दैट कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू टाइम्स अल्फा बीटा। तो ये जो आपका ये स्टेप था ना, इसकी जगह आप क्या आएंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, और नीचे आपको अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिखना ही लिखना है। तो देखो अब अल्फा प्लस बीटा हमारा ये लिखा हुआ है फाइव का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, अगर आप देखेंगे तो अल्फा बीटा है आपका सिक्स, सिक्स और अल्फा बीटा सिक्स का होल स्क्वायर, बट आप इसको सॉल्व करोगे 25 माइनस 12 अपॉन में 36, तो ये आ जाएगा 13/36, ठीक है, और यही आपका आंसर है। तो 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 13/36, दैट्स योर आंसर, ठीक है, समझ में आ गई होगी आई होप, ठीक है। अब आगे के जो 15 क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं रिवीजन पार्ट थ्री में करवाऊंगा, ठीक है, और उतने क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो आपका ये चैप्टर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा।